रेलवे ग्रुप डी के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आज की और अभी की बहुत बड़ी खबर, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देख लेते पूरी जानकारी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि आगे आने वाली रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रेलवे ALP साइको टेस्ट के लिए बुक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप साइको टेस्ट के लिए बुक डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ RRB NTPC की बुक भी अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप NTPC की बुक डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आई है। रेलवे ग्रुप डी के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट कल 4 मार्च 2019 को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया। और उसके साथ ही साथ अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड किए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उनके रिजल्ट के साथ ही साथ उन्हें डेट एंड वेन्यू यानी स्थल बताया जाएगा कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कहाँ पर होगी। उसके साथ ही साथ डेट भी वहाँ पर मेंशन की जाएगी कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब होगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये, यानी कल ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब है और किस स्थान में आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये, और आप सभी को उसके पहले अपडेट करना चाहता हूँ। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट 35 kg वजन उठाकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, उसके लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट 15 सेकंड में, आपको एक काम करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते तो 20 kg का वजन उठाकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, उसके लिए भी एक चांस मिलेगा। और वही हम बात करते हैं 1000 मीटर की दौड़ होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, 4 मिनट 15 सेकंड यहां पर दिए जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हजारों लाखों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था रेलवे ग्रुप डी के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए और सभी ने एग्जाम दिए, जिसकी वजह से जैसे रिजल्ट आता है तो साइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा और जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश होगी। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आना है, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना रिजल्ट एक क्लिक पर चेक कर सकोगे बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहां पर आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा और एक क्लिक पर आपका रिजल्ट हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आप जरूर भरेगा, अगर आपको कोई भी समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करें, वहां पर आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।